कैसे शो, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। देखा जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई यहाँ पर बीजेपी के कहने पे, तो क्या माना जाए यहाँ पर कि शिंदे की सदस्यता रद्द होगी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगातार इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आज भी एक बड़ी खबर सामने आई कि यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कुछ ऐसी दलीलें और कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं कोर्ट के सामने, जिसे कहीं ना कहीं शिंदे का इस्तीफा पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। अब देखा जाए यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, जितने भी विपक्षी नेता है सबके सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ सिर्फ यहाँ पर बीजेपी पार्टी है। साथ ही साथ देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के साथ कोई नहीं है। अब यहाँ पर जो चुनौतियां है वो बीजेपी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जो फैसला किया गया वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हमने आपके साथ काफी सारी रिपोर्ट्स साझा की, लाइव सेशंस किए, और उसमें हमने यही देखा, ओपिनियन पोल में हमने यही देखा, एग्जिट पोल में हमने देखा कि यहाँ पर राहुल गांधी को पीएम होना चाहिए, उस बात का आप लोगों ने पूरी तरीके से समर्थन किया, और शिंदे को सीएम नहीं होना चाहिए, शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए, उस बात का समर्थन किया कि महाराष्ट्र तो उद्धव को होना चाहिए और देश राहुल गांधी का होना चाहिए। अब देखा जाए यहाँ पर तो चुनावों का दौर लगातार जारी है, 3 जगहों के चुनाव हो चुके हैं, 6 जगहों के अभी भी बाकी है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर 6 के 6 चुनाव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती है या फिर 6 में से 3 भी जीती है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी इस बात का फायदा होगा, क्योंकि एमवीए गठबंधन इससे स्ट्रांग होता नजर आएगा, और देश में तो फायदा यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी को ही होगा। देखा जाए तो विपक्षियों का साथ अब भर भर कर राहुल गांधी को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षियों में डर है कि कहीं अगली बारी हमारी ना हो, इसलिए पहले ही राहुल गांधी का साथ देना उन लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन अब वापस से शिंदे पे आए तो यहाँ पर शिंदे के विधायकों की अयोग्यता पर भी कभी भी फैसला लिया जा सकता है, उनकी सदस्यता अगर रद्द हो जाती है तो यहाँ पर शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा, अपना सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, ये बात मानी जा रही है। लेकिन सवाल आखिरी में यही है कि आपको क्या लगता है कि शिंदे का इस्तीफा यहाँ पर कांग्रेस को एक संजीवनी दे सकता है महाराष्ट्र में? इस पर राय जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।